नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? अभी देखो, यहां पे इन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट पे कुछ नहीं है, देखो दो कर्व के बीच का एरिया अपने को निकालना है, राइट? नथिंग बट मान लो एक करे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दूसरे करे y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इनके बीच का एरिया निकालना। बोले तो क्या कर देना, नथिंग बट रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, क्या कर देना, एरिया इज इक्वल टू ये एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स माइनस कर देना, बस इतना ही। नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, लिमिट कैसे चल रही है, अलॉन्ग एक्स चल रही है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस नीचे वाला माइनस कर देना, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दिया, जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, बस इंटीग्रेशन करो, लिमिट को पुट करो, आपको रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। मान लो कि समझो आपको समझ में नहीं आया और आपका आंसर माइनस आता है कि सर ऊपर वाले कर में से नीचे वाला कर माइनस करना था, लेकिन हमारा उल्टा हो गया और आंसर माइनस आया, तो कोई टेंशन लेना नहीं, उसको दोबारा मॉड डाल दो, आफ्टर रिमूविंग मॉड दैट बिकम पॉजिटिव, बहुत सिंपल कार्यक्रम, ओके। चलो इसके ऊपर हम जरा न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एरिया बिटवीन कर्व्स, बिटवीन टू कर्व्स, है सिंपल है ये भी, बट थोड़ा सा ये पोर्शन थोड़ा लेंदी होता है। प्रॉब्लम देखो क्या दिया, ये प्रॉब्लम को आईएमपी कर दो, खाली वैल्यू बदल के, ये प्रॉब्लम पेपर में बहुत बार आया है, सो ये प्रॉब्लम को आईएमपी कर देना, राइट। अब ये क्या है, देखो, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू, क्या दिया है, एज इक्वेशन ऑफ कर्व्स आर, और कर्व के इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, ये दो इक्वेशन है। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये दोनों पैराबोला है, करेक्ट। अब ये पहला वाला, मैंने आपको बोला था कि इसको प्लॉट कैसे करते हैं, है ना, पहले ट्रेसिंग करवा देना। अब देखो y स्क्वायर इक्वल टू 9x, किसकी पावर 1 है, x की पावर 1, तो दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस, x एक्सिस, ये आपका होता है x एक्सिस और ये आपका होता है y एक्सिस, सो ये वाला पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। हम लोग एक कर्व स्केच बना रहेंगे पैराबोला की, करेक्ट, ठीक, नो प्रॉब्लम। दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, इसका इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, करेक्ट। और दूसरा वाला जो पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 9y, किसकी पावर इवन है, y की, तो दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस, y एक्सिस, तो हम ये पैराबोला को बना देंगे, अब ये वाला जो हमने पैराबोला बनाया दैट इज सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस, y एक्सिस, समझ में आ रहा है आपको, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ये इसका इक्वेशन लिख दो ना यार, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y, नो प्रॉब्लम। और अपने को कौन सा एरिया चाहिए, एरिया बाउंडेड बाय दिस y स्क्वायर इक्वल टू 9x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 9y, इसके बीच का बाउंडेड एरिया चाहिए, नथिंग बट हमको ये एरिया चाहिए, समझ में आ रहा है क्या आपको। और 100% एक बात यहां पे समझ लेना, ये तो ओरिजिन है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0, है ना, आपको ये कोऑर्डिनेट को ढूंढना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो गया, डायग्राम हमने कैसे बनाई, पेपर में आप डायग्राम याद से बनवा देना, राइट, डायग्राम बनाएंगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। अब देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा दोनों कर्व का, और एरिया बिटवीन टू कर्व्स ऐसे जब आएगा ना तो ध्यान में रखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए वो दोनों कर्व का एक को दूसरे में पुट करना और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, पहले वही काम करना पड़ता है। अब देखो, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
क्या कर देना, देखो कैसे करने का, ये प्रॉब्लम को हमने पहले आईएमपी किया है। पहला इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एक्स, इसको बोलो इक्वेशन नंबर वन। आपका दूसरा इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन, मैं इसको इक्वेशन नंबर दो बोलता हूँ। दो करके दो इक्वेशन से दो पैराबोला है। अब देखो यहां पे काम करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो, क्या करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर आप दोनों साइड की स्क्वेयर करते हो तो यहां पे क्या आएगा, एक्स रेज टू फोर, यहां पे स्क्वेयर करेंगे तो यहां पे मैं लिखता हूं नाइन स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर। आप बात को समझ रहे हैं, हमने यहां पे दोनों साइड को स्क्वेयर किया, इधर स्क्वेयर किया तो फोर हो गया, इधर नाइन का स्क्वेयर एंड वाई का स्क्वेयर। अब ये वाई इसीलिए स्क्वेयर किया कि ऊपर की वैल्यू इसमें अब हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में पुट करने का ना, तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। आप क्या करने का, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन वन, बराबर है। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे, सो एक्स रेज टू फोर या नाइन स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इंटू नाइन एक्स। समझ रहे हैं आप बात को, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे क्या होने वाला है, एक्स रेज टू फोर इज इक्वल टू नाइन स्क्वायर, और ये नाइन तो ये आया नाइन क्यूब, है ना, एंड एक्स, नाइन क्यूब एंड एक्स। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा होगा, इसको लेफ्ट साइड ले लो, सो एक्स रेज टू फोर माइनस नाइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू जीरो। जरा ध्यान देना इसको सिंप्लीफाई कैसे हो रहा, देखो अब यहां से हमने एक्स को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा है, इधर बचा एक्स क्यूब और इधर बचा माइनस नाइन क्यूब, सही है क्या, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है, हमने ये दोनों में से एक्स को कॉमन निकाला, बराबर है। अब देखो यहां पे एक काम हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो एक वैल्यू अपने को मिली, एंड आपकी दूसरी वैल्यू क्या मिली, एक्स क्यूब माइनस नाइन क्यूब इज इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू नाइन क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स इक्वल टू कितना मिला भाई, नाइन। सो एक वैल्यू हमको मिली जीरो, दूसरी वैल्यू मिली हमको नाइन। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वाई। थोड़ा जगह क्रिएट कर देंगे यहां पे, डायग्राम रहेगी अपने को लगने वाली है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, ये आपका इक्वेशन वन है। सो वन एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो फ्रॉम इक्वेशन वन वैल्यू ऑफ वाई वर्कआउट्स टू एक्स जीरो है, तो ये क्या वाई स्क्वायर जीरो आया, तो वाई भी क्या आया, वाई आया जीरो। सो वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वन पॉइंट इज सीधा सीधा लिखो जीरो कॉमा जीरो, ये वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, जो आपको मालूम था दैट इज ओरिजिन, उसमें तो हमको कोई इंटरेस्ट था नहीं, पर ठीक है निकालना तो पड़ेगा। और दूसरी वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू नाइन ना, सो वेन एक्स इज इक्वल टू नाइन, तब वाई कितना ये ढूंढना पड़ेगा हमको। हम क्या करेंगे, फ्रॉम अगेन इक्वेशन वन, हम इक्वेशन वन में ये वैल्यू को पुट करेंगे, इक्वेशन वन ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन, नाइन जा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, एक्स की जगह नाइन, नाइन नाइन जा 81, तो मेरी वाई की वैल्यू कितनी आ गई यार, वाई की वैल्यू दोबारा आ गई नाइन, राइट। सो अदर पॉइंट क्या हो गया, नाइन कॉमा नाइन, देयरफॉर अदर पॉइंट इज नाइन कॉमा नाइन। कहने का मतलब ये हुआ, एक तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है और आपका दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है नाइन कॉमा नाइन, सो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, नाइन कॉमा नाइन। समझ में आया, मतलब अगर आप लिमिट्स को पुट करना है अलोंग एक्स, तो मेरा यहां पे ये क्या रहेगा, पॉइंट नाइन, एक्स कोऑर्डिनेट भी नाइन है, वैसे वाई भी लिए तो नाइन ही होता, राइट, नो प्रॉब्लम।
चलेगा। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाना। इस टाइप की प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही निकालना पड़ता है, उससे पहले ट्रेसिंग कर लेना तो अपने को अंदाज आता कि करना क्या है। हाँ अब देखो देयरफॉर लेट ए इज द रिक्वायर्ड एरिया, बराबर है। अगर ए मेरा रिक्वायर्ड एरिया है तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, फिर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब यहां पे ऊपर वाला कर्व कौन सा, ये वाला ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एक्स, सो नथिंग बट क्या लिखेंगे, एरिया अंडर द कर्व, एरिया लाइंग अंडर द कर्व, एरिया लाइंग अंडर द कर्व, और ये कर का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एक्स, सही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एक्स, ये मेरा एक ए हो गया, माइनस ये वाला ऊपर का वो एरिया था ना वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एक्स, माइनस क्या लिखेंगे, अब इसका एरिया ना, माइनस एरिया लाइंग अंडर द कर्व, एरिया लाइन अंडर द कर्व, कौन सा कर्व है भाई, ये वाला, ये नीचे से जा रहा है ना, उसको नीचे ऊपर वाला जो उसमें से नीचे वाला माइनस करो, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन वाई, करेक्ट, नथिंग बट व्हाट, जरा बोर्ड पे देखो, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम जीरो टू नाइन लेने वाले हम लोग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाई इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम जीरो टू नाइन, दिस इज फॉर दिस वन, माइनस यहां पे इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम जीरो टू नाइन, अगेन वाई इंटू डी एक्स। अब बात ऐसी हो गई, यहां पे ध्यान देना, ये y इसके लेने, तो आप इसको y1 y2 बोलो, इसको y1 y2 बोल के भी ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बोर्ड पे देखो, जीरो टू नाइन, करेक्ट, अब यहां पे y, वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एक्स है, तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ नाइन एक्स इंटू डी एक्स, समझ में आया आपको, y स्क्वायर है, मेरे को y चाहिए, तो मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये वाला तो y इंटू डी एक्स फाइनल हो गया, माइनस इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम जीरो टू y इंटू डी एक्स। अब देखो यहां पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन वाई है, y इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय नाइन, है ना, एक्स स्क्वायर बाय नाइन इंटू डी एक्स, ये कैसा लिखा, समझ में आया, आपको y इक्वल टू समथिंग चाहिए, सो हमने y इक्वल टू लिखना है, तो इसको अंडर रूट में लिख दिया, अंडर रूट ऑफ नाइन एक्स, इसको y इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइन कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऊपर चलते हैं, है ना, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझ में आया, डायग्राम समझ में आई, बस अब सॉल्व करने का, अब अपने को डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेशन करके इसको फाइनल कर सकते हैं, करेक्ट, देखो कैसे फाइनल करेंगे हम लोग। हाँ इसका इंटीग्रेशन करने का तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ नाइन, कितना होता थ्री, सो ब्रैकेट के बाहर हमने थ्री लिखा, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम जीरो टू नाइन, और अंडर रूट एक्स बोले तो क्या, एक्स रेस टू हाफ इंटू डी एक्स, सही है ना, अंडर रूट एक्स बोले तो एक्स रेस टू हाफ इंटू डी एक्स, माइनस यहां पे वन बाय नाइन हमने बाहर ही ले लिया, माइनस वन बाय नाइन बाहर ले लिया, और अंदर क्या रहा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम जीरो टू नाइन, दोनों तरफ लिमिट जीरो टू नाइन ही है। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया थ्राइस, यहां पे क्या करेंगे, हाफ प्लस वन, एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन प्लस वन, हाफ प्लस वन थ्री बाय टू, हाफ प्लस वन थ्री बाय टू, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, ओके, और यहां पे इंटीग्रेशन लिमिट चलेगी जीरो टू नाइन, माइनस वन बाय नाइन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री, एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, फॉर्मूला तो आपके सिवा किसी को मालूम नहीं, सो रिक्वायर्ड एरिया बिफोर अप्लाइंग लिमिट कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लो, यहां पे हम थ्री बाय टू को बाहर लिए तो क्या होगा, टू बाय थ्री ना, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहा, एक्स रेस टू थ्री बाय टू, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम जीरो टू नाइन,
ये तीन बाहर आया तो माइनस, ये नाइन पहले ही वेटिंग में था, 9 3 27 x³ 0 to 9, समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहे हैं हम लोग? बहुत बढ़िया। नहीं और इसको एक बात कर सकते हैं, यहां पे हम एक काम करेंगे, 27 की जगह 9 × 3 कर दो। क्यों? सिंप्लीफिकेशन को आसान जाना, 27 किया तो भी जाएगा टेबल, आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कैलकुलेशन है कैसे सिंपल जाता है वो आपने वहां पे आराम से देख लेके फाइनल करना है। ओके, देखो अभी यहां पे 3 के साथ 3 गया, एरिया इज इक्वल टू 2, हम अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 9 raised to 3/2 लोअर लिमिट -0, जाना तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे -9 × 3 और अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 9³ एंड लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो 0, समझ में आ रहा है आपको? यस। आप देखो रिक्वायर्ड एरिया में 2, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अरे 3 का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस ये 0 क्या लिखेंगे यार, ये तो खत्म हो गया ना, 0 थोड़ी लिखते दोबारा, माइनस। अब देखो यहां पे ये 9 raised to 3 -0, ये जान दो एक स्टेप जाने में कोई दिक्कत नहीं, × 9³, सही है। अब ये 9 में का 1 गया तो यहां पे बचा स्क्वायर, इसलिए हमने कटा नहीं किया। अब एरिया इज इक्वल टू ये 2 के साथ 2 चले गया है ना, 3³ 27 2 = 54, आई थिंक सो, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? 3³ 3² 9 3³ 27 3 raised to 4 81, सो ये आपका 54 आया, 3³ 27 27 2 = 54 माइनस। अब यहां पे क्या बचा देखो ना यार, यहां पे बचा 9² कितना होता 81 divided by 3 कितना होता, अरे 27 3 जा 81 ना, राइट। और रिक्वायर्ड एरिया 54 -27 नथिंग बट 27 square units, 27, ये समझ में आया ना, 9² 81, 81 ने 81 को 3 ने डिवाइड किया तो 27, सो 27 स्क्वायर यूनिट इज योर रिक्वायर्ड आंसर है। प्रॉब्लम वैसे सिंपल है देखो, बट ये प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी होता है, तो ये प्रॉब्लम 100% सेक्शन सी या सेक्शन डी में आएगा, समझ में आया क्या? तो आपको 3 या 4 मार्क आराम से इससे मिलेंगे। इसका शॉर्टकट एक मेथड भी है फॉर सीटी एग्जाम या जेडब्ल्यू एग्जाम, उसका मैं शॉर्ट ट्रिक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना यूट्यूब के अपने जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें आप उसको देख सकते हैं, इसको मैं पुट कर दूंगा वहां पे, चलेगा? समझ में आया? प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, क्या करने का, एरिया बिटवीन 2 curves अगर निकालना है तो 2 curves के बीच का एरिया निकालने को पहले ट्रेस करो, सॉरी, उसके बाद उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाओ, फिर डायरेक्टली ऊपर वाले में से नीचे वाला एरिया माइनस करो, और वैसे गड़बड़ हो गई, एरिया आखिर में माइनस आया तो सीधा मॉड डालते चलो आपका, कि नहीं तो यहां भी मॉड डाले, एरिया नेवर निगेटिव और मॉड निकाल के पॉजिटिव कर दो, दैट्स ऑल। ओके, एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, बट ये प्रॉब्लम आईएमपी है, बहुत बार पेपर में आया है, बट वैल्यू बदलती है, राइट? आपके पैराबोला के टर्म बदलेगी बट कर्व वही रहेगा, तो इसलिए प्रॉब्लम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना, हाँ, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आईएमपी हमने पहले ही इसको कर दिया है। देखो और एक प्रॉब्लम को चलेंगे, y² = 4x क्या दिया है कर, y² = 4x एंड अ लाइन, सी इक्वेशन ऑफ कर इज y² = 4x एंड लाइन इज y = x। अब बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, अब देखो आपको मालूम y² = 4x दोबारा क्या हो गया, पैराबोला, और ये जो पैराबोला है आपको बोला था जिसकी पावर 1 उसको वो क्या रहता, सिमेट्रिक। तो पहले काम करो ना यार, पहले हम ट्रेस कर देंगे,
ट्रेसिंग करना बहुत जरूरी है। ट्रेस कर लिया तो काम खत्म, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। सो दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट यूर एक्स एक्सिस, है ना। अब ये आपका एक्स एक्सिस है, ये अपना कौन सा एक्सिस है भाई, वाई एक्सिस है, राइट। और क्या लाइन दिया, ये इक्वेशन लिख दो ना, ये कर का इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, सही। अब देखो यहां पे एंड द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, ये लाइन तो 100% कैसे जाएगी, ये 45 डिग्री एंगल करेगी विच पासेस थ्रू ओरिजिन, ये लाइन का इक्वेशन ही वाई इक्वल टू एक्स, राइट। ऑफकोर्स ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 0, 0। एक कौन सा एरिया चाहिए आपको, एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन, बोले तो ये कर और ये लाइन, इसके बीच का एरिया चाहिए, बोले तो आपको ये एरिया चाहिए। समझ में आ रहा है क्या आपको, कौन सा एरिया चाहिए, समझ में आया क्या। अब देखो काम कर देना, ये तो ओरिजिन है, इसकी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 0, बट आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बनाना पड़ेगा ना, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक को दूसरे में पुट करें, राइट। अब देखो कैसे करने का, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या करने का है, पहले टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायग्राम मस्ट है, बनाओ। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करने का, आपको पहला इक्वेशन क्या दिया, y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, राइट। इसको बोले इक्वेशन वन, और दूसरा y इक्वल टू एक्स, क्या करने का, पुट y इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन वन, y इक्वल टू एक्स इक्वेशन वन में रखो ना यार, तो यहां पे क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, अगर नॉट, यस। आप देखो यहां पे x स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, सही है, 100% सही है। अब देखो यहां से x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, यहां पे x सी कॉमन निकालने के बाद अगर मैं वो टर्म को दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को ओरिजिनल टर्म वापस आ रही है ना, 100% आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब एक वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू जीरो, राइट। एंड यूर अनदर वैल्यू वर्कआउट टू x इक्वल टू फोर, मतलब आपको x के दो आंसर मिले। अब आपको मालूम है x के दो आंसर मिले तो y के भी दो मिलेंगे, सो व्हेन x इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं x को जीरो रखू तो फ्रॉम इक्वेशन टू मेरे y क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन टू y क्या मिलेगा, x जीरो है तो y भी जीरो ना, सो आपका वन पॉइंट क्या आया, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, वन पॉइंट इज 0, 0, अरे वो तो वहीं पे दिख रहा है, दैट इज ओरिजिन, सही है ना। अदर पॉइंट के लिए व्हेन x इज इक्वल टू फोर, जब x 4 है, अगेन दोबारा फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 क्या बता रहा है, y इक्वल टू एक्स ना, सो y इक्वल टू एक्स की जगह क्या पुट करें, 4, सो अदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 4, 4, समझ में आया क्या, मतलब 8.00 जो दिख रहा है दैट इज ओरिजिन, और दूसरा ये चाहिए तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0, और अदर वन ये वाला क्या हो गया, दैट इज 4, 4, मतलब अगर मैंने यहां से डॉटेड लाइन डाल दिया नीचे तो हमारी इंटीग्रेशन लिमिट क्या रहेगी, 0 to 4 ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 4 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 4 है, तो ये वाली वैल्यू क्या है मेरी, 4 है ना, करेक्ट। सो हमको अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, बाकी का काम तो दो ही मिनट क्या रह गया, आप क्या करने का, एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, थोड़ा जगह क्रिएट कर लेंगे क्या, बिल्कुल जगह क्रिएट कर लिया हमने, थोड़ा सा मैं यहां पे मिटाता हूं ये, डायग्राम इसलिए रख रहा हूं कि आपको समझ में आना कि हम क्या कर रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बनवा लिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ चलो।
एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया दैट इज ए इज इक्वल टू, अब देखो मैं रिक्वायर्ड एरिया ए को क्या लिख रहा हूं, एरिया पहले ऊपर कौन एक कर है ना, तो कर में से लाइन का माइनस कर दो, सो एरिया एरिया लाइंग अंडर द कर, एरिया लाइंग अंडर द कर, एरिया लाइंग अंडर द कर क्या है, वो कर का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस कर में से लाइन को माइनस करो, माइनस एरिया लाइन अंडर द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, ऐसा पहले पेपर में लिख देना। सो उसको और अपने को दोनों को कंफ्यूजन नहीं कि कौन सा एरिया है। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया 100% का इंटीग्रेशन का लिमिट हम 0 to 4 लेने वाले हैं, क्योंकि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 100% क्या है 4,0 है ना। सो क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 4, तो क्या लिखेंगे y इंटू डी एक्स, क्योंकि लिमिट अलॉन्ग x चल रहा है तो डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 4, दोबारा क्या लिखू y इंटू डी एक्स, समझ में आया, ये दिस इज फॉर दिस, दिस इज फॉर दिस, करेक्ट। अब देखो थोड़ा और जगह क्रिएट कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद बस ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले को माइनस कर दो, आंसर कभी भी पॉजिटिव, और बाई चांस उल्टा हो गया तो टेंशन लेने का काम नहीं है, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते। देखो 0 to 4 वाई चाहिए, मेरे को वाई स्क्वायर दिया तो वाई क्या होगा अंडर रूट ऑफ 4x ना, अरे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो y इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to y इक्वल टू x, तो y के जगह क्या पुट करूं x इंटू डी एक्स, आप समझ रहे बात को, वेरी गुड। अब रिक्वायर्ड एरिया स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता 2, मैंने उसको पहले ही बाहर निकाल लिया, अंडर रूट ऑफ x होता x रेस टू हाफ इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 x इंटू डी एक्स, एक साथ इंटीग्रेशन करेंगे, ओके Twice, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x रेस टू 3/2 ना, x रेस टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 4 माइनस इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 4, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, थोड़ा इधर ही देखते हैं फाइनल होता है क्या। अब 3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल लिए तो 2/3 होगा, तो 2 ऊपर गया, 2 to the 4 तो 4/3 क्या, अरे ये 3 डिनोमिनेटर में बट रेसिप्रोकल में 2 ऊपर गया तो न्यूमरेटर में चले गया ना, सो क्या बचा ब्रैकेट में एक्स रेस टू 3/2 बचा ब्रैकेट में, एक्स रेस टू 3/2 इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to माइनस, अब यहां पर देखो 1/2 बाहर ले लो कॉन्स्टेंट, बिफोर अप्लाइंग लिमिट अगर निगेटिव साइन है कांस्टेंट है तो कहां लेने का बाहर, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 4, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 4। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया 4/3, अपर लिमिट को पुट किया 4, बट 4 को क्या लिख सकते 2² लिख सकते क्या 4 को, और लोअर लिमिट 0 है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने पहले 4 पुट किया बट 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन है, माइनस 1/2 और अंदर क्या रहेगा बोलो, अंदर रहेगा 4² 16 ना, माइनस 0। आप देखो ये 2 के साथ 2 चले गया, नो प्रॉब्लम। अब 2 क्यूब कितना होता 8, 8 4 जा मेरे कैसे 32/3 क्या, अरे भाई 2³ 8 है ये तो 0 हो गया, 2³ 8 8 4 जा 32/3, और यहां पे 16 - 0 16 डिवाइड बाय 2 तो ये आया 8 - 1, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, अरे ये 16 - 2 किया तो 8 बचा। अब इसका एलसीएम अगर आप लेते हो तो एलसीएम कितना आएगा 3 3 3 गया 32, 1 3 = 8 3 = 24,
और 24 माइनस 32 कितना आएगा, 24 माइनस 32 ये तो 6 और 2 8, 8 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। 8 बाय 3 थोड़ा लाइन के नीचे गया क्या ये, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 8 बाय 3 स्क्वायर यूनिट। प्रॉब्लम सिंपल है, डायग्राम प्लॉट करने का मैं इसको दोबारा इन शॉर्ट में रिव्यू लेता हूं। एरिया बिटवीन टू कर्व्स पूछा तो क्या कर देने का, पहले फिगर को ट्रेस आउट कर लो, ट्रेस आउट करने के बाद पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाने के लिए एक कर्व को दूसरे कर्व के इक्वेशन में, मतलब एक लाइन हो कर्व जो भी दोनों दिए हैं आपको, वो दोनों को एक दूसरे के अंदर पुट करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया तो आपको पहले कुछ एक्स मिलेगा या तो वाई मिलेगा, उस वो वैल्यू दूसरे में डालो आपको एक्स मिलेगा, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। वो मिलने के बाद फिर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया लाइन अंडर, ऊपर वाला जो है वो पहले लिखो और नीचे वाला जो है उसको उसमें से माइनस करो, तो ये कभी भी आपका आंसर निगेटिव तब आएगा नहीं। समझो आपने उल्टा किया तो उसको मॉड्यूलस डाल दीजिए और आफ्टर रिमूव मोर दैट बिकम पॉजिटिव, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। दोनों प्रॉब्लम एकदम टिपिकल लिए है सो दैट आपको पूरा आइडिया क्लियर होना चाहिए, नो प्रॉब्लम, चलेगा। सो विद दिस हम लोग यहां पे ये कंक्लूड करते हैं पेपर में डायग्राम बनाने का, शेडिंग बनाने का, याद से हाँ ओके। अब देखो विद दिस विल कंक्लूड दिस वीडियो राइट। सो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो राइट, एंड बी इन टच विथ अस सो दैट हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ जाएंगे, सो आपको ऑटोमेटिकली उसका इंटीमेशन आएगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू।